प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट है जिसका नाम प्रिंटफुल है। इस पर जस्ट मैंने 3 डिजाइन पब्लिश किए थे, इनमें से ये वाला डिजाइन सेल हो चुका है। अगर आप अर्निंग की बात करें तो ये देख सकते हैं, एक डिजाइन सेल करके देने के मुझे $4.50 की अर्निंग हो चुकी है। आइए सारा तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और न्यू प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम प्रिंटफुल है। यहाँ पर आप वर्क करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस काम को कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। ये एक किस्म का बिजनेस होता है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर आपको टी शर्ट के डिजाइन क्रिएट करना नहीं आते तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे जाकर मैं आपको एक टूल बताता हूँ, उस टूल का यूज करके आप जिस तरह का टी शर्ट का डिजाइन क्रिएट करना चाहें चुटकियों में क्रिएट करके यहाँ पर आकर सेल करके पैसा कमा सकती हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, फर्दर डिटेल हम लैपटॉप की स्क्रीन पर सीखते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो फाइवर, अपवर्क और डाटा एंट्री के पेड कोर्सेज अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको मेरा ये व्हाट्सएप नंबर शो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको इन कोर्सेज का ऑनलाइन सेंड करूंगा। इंशाल्लाह ये कोर्सेज सीखने के बाद भी आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। जी तो डियर फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि ये देखते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है जिसका नाम प्रिंटफुल है। इस पर मैंने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है, काशिफ के नाम से मेरा स्टोर का नेम है जो कि एक्टिव स्टोर है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो इस स्टोर पर मैंने 3 डिजाइन अपलोड किए हुए हैं। तो सिंपली व्यू स्टोर पर मैं प्रेस करता हूं, जैसा कि ये देखते हैं जो मैंने व्यू स्टोर पर प्रेस किया है, 3 डिजाइन मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो ये वाला जो डिजाइन है एक बार सेल हो चुका है। अगर हम इस डिजाइन की एक्चुअल प्राइस की बात करें तो $45 इस डिजाइन की प्राइस है। जो मुझे कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन मुझे $4.50 का रिसीव हुआ है। आगे जाकर मैं आपको अपने कमीशन भी दिखाता हूँ। प्रिंट ऑन डिमांड में ये होता है कि भी आपने टी शर्ट के डिजाइन क्रिएट करने होते हैं, या मग के डिजाइन क्रिएट करने होते हैं, या मोबाइल के पाउच के डिजाइन क्रिएट करने होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनके आपने डिजाइन क्रिएट करने हैं। अगर किसी को आपका डिजाइन पसंद आ जाता है तो जस्ट हम वो आपके डिजाइन पे ऑर्डर देगा। ये प्रिंटफुल की वेबसाइट इस शर्ट पर डिजाइन प्रिंट करेगी और खुद ही डिलीवर करेगी, खुद ही पैसे रिसीव करेगी। आपने जस्ट डिजाइन क्रिएट करने और यहाँ पर अगर आपने उन डिजाइन को लाइव कर देने, आपके अकाउंट में लाइफ टाइम कमीशन आता रहेगा। अब मैं आपको अपना कमीशन दिखाने जा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे ये बिलिंग लिखा शो रहा है, इसके आगे ये एरो शो रहा है, एरो पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये कुछ रहा है प्रिंटफुल वैलेट, प्रिंटफुल वैलेट पे मैं प्रेस करता हूँ। जैसा कि ये देखते हैं डियर फ्रेंड, मैंने प्रिंटफुल वैलेट पे प्रेस किया है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे ये मेरी अर्निंग शो रही है जो कि $4.50 है। जस्ट एक सेल हुई है, एक सेल के मुझे $4.50 की अर्निंग हो चुकी है। किस तरह से प्रिंटफुल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरह से डिजाइन क्रिएट करते हैं, किस तरह स्टोर को कनेक्ट किया जाता है, ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में सिखाता हूँ। तो सिंपली मैं अपने इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, मैं आपको डिजाइन क्रिएट करने का तरीका सिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको प्रिंटफुल का अकाउंट क्रिएट करने का तरीका सिखाऊंगा। डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपने कैनवा का यूज करना है। जैसा कि ये देखते हैं, मैं न्यू टैब पे आ चुका हूँ। न्यू टैब पर मैंने गूगल को ओपन किया है। गूगल में आपने लिखना है कैनवा। गूगल में मैंने कैनवा सर्च किया है, फर्स्ट वाला लिंक आ चुका है। आपने फर्स्ट वाले लिंक पे प्रेस करना है, कैनवा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कैनवा की वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है टी शर्ट। कैनवा के सर्च बार में मैंने टी शर्ट सर्च किया है। जैसा कि ये देखते हैं, हमारे सामने फ्री में बने बनाए टी शर्ट के टेम्पलेट शो हो चुके हैं। इन टेम्पलेट की आपने कस्टमाइजेशन करनी है और आपने इन डिजाइन को प्रिंटफुल पर जाकर सेल करना है और आपने अच्छा खासा पैसा कमाना है। यहाँ पर ये जितने भी टेम्पलेट शो रहे हैं, ये सारे के सारे टी शर्ट के टेम्पलेट शो रहे हैं, टी शर्ट के डिजाइन शो रहे हैं। तो मैं आपको एक टेम्पलेट कस्टमाइज करने का तरीका सिखा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट आपने खुद काम करना है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे ये डिजाइन शो रहा है, या इसके बाद मेरे पास ये डिजाइन है, इस वाले डिजाइन पर मैं प्रेस करता हूँ। डिजाइन पे मैंने प्रेस किया है, यहाँ पे ये लिखा है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो ही मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं हमारे सामने ये टेम्पलेट ओपन हो चुका है। इस तरह से कलर वेरियंट्स है, अगर आप इसका मजीद कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो ही मैंने इस वाले टेम्पलेट पे प्रेस किया, लेफ्ट साइड पे मजीद और हमारे सामने टी शर्ट के टेम्पलेट शो हो चुके हैं। यहाँ से भी आप इन टेम्पलेट की सिलेक्शन कर सकते हैं। हम इस टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन करेंगे, फिर हम प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट पर जाकर, प्रिंटफुल पर जाकर इस डिजाइन को सेल करना सीखेंगे। जैसा कि ये देखते हैं टॉप पे ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाइल्ड लिखा हुआ है, जो कुछ आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसा कि ये देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ काशिफ, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे काशिफ लिखा है, यहाँ पे ये काशिफ लिखा हुआ शो रहा है। इस तरह आप जो टेक्स्ट लिखना चाहें आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके कलर शो हो रहे हैं, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे जो कलर आप इसका चेंज करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, सारा कुछ एडिटेबल है। आप यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने अपना नेम टाइप कर दिया। इस तरह आपने इस टेक्स्ट को भी चेंज करना है, इसके कलर चेंज करने हैं। इसके बाद आपका डिजाइन रेडी है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। किस तरह से डिजाइन को डाउनलोड किया जाता है, यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है,
इसके बाद आपने डाउनलोड पे प्रेस करना है। डाउनलोड पे प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने पीएनजी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये कह रहा है भाई ऑल थ्री फाइल्स आप डाउनलोड करना चाहते हो, क्योंकि नीचे और भी डिजाइन शो हो रहे हैं। तो सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, जस्ट फर्स्ट वाला डिजाइन को डाउनलोड करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, सिर्फ मैं इस वाले डिजाइन को चेक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जस्ट ये वाला डिजाइन डाउनलोड हो। इसके बाद मैं डन पे प्रेस करता हूँ, डाउनलोड पे प्रेस करता हूँ। ये जो डिजाइन है ये पीएनजी में हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। डिजाइन हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको ये डिजाइन ओपन करके दिखा देता हूँ। डिजाइन पे मैंने प्रेस किया, कुछ इस तरह से हमारा ये टी शर्ट का डिजाइन शो हो रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम प्रिंटफुल वेबसाइट का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं और उसी डिजाइन को हम यहाँ पे जाकर सेल करेंगे। सिंपली आपने ऐसा करना है, गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में आपने लिखना है प्रिंटफुल, PRINTFUL। गूगल में मैंने प्रिंटफुल सर्च किया है, फर्स्ट वाला लिंक आ चुका है। फर्स्ट वाला लिंक पे प्रेस करना है, प्रिंटफुल की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट है। यहाँ पर आकर आप अपने टी शर्ट के डिजाइन सेल करके पैसा कमा सकते हैं। किस तरह से प्रिंटफुल का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो अकाउंट के क्रिएट करने के लिए यहाँ पे साइन अप लिखा हो रहा है, आपने साइन अप पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो भी मैंने साइन अप पे प्रेस किया है, यहाँ पे तीन ऑप्शन शो हो चुकी हैं। आप कस्टम अपना ईमेल और पासवर्ड देकर भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गूगल लिखा हो रहा है, गूगल थ्रू भी आप साइन अप कर सकते हैं। तो मैं गूगल के थ्रू साइन अप करूंगा। यहाँ से मैं गूगल पे प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने गूगल पे प्रेस किया है, हमारे सामने न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। मैंने गूगल में जो जीमेल साइन इन की हुई है वो मेरी जीमेल शो हो चुकी है। यहाँ से मैं एक जीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके जरिए मैं अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। जीमेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो ही मैंने कंटिन्यू पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप शो हो जाएगा। जैसा कि ये देखते हैं प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट स्टेप ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये कह रहा है अभी फुल नेम क्या है आपका। सिंपली आपने यहाँ पे अपना फुल नेम टाइप करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस टाइप करना है, इसके बाद इस वाले ऑप्शन को चेक करना है और आपने साइन अप पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो ही मैंने साइन अप पे प्रेस किया है, हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, यहाँ पे कह रहा है अपने बारे में बताओ। इसके बाद नीचे ये लिखा है व्हाट्स योर मेन गोल टू यूजिंग प्रिंटफुल, यहाँ पे कह रहा है प्रिंटफुल यूज करने का आपका मेन गोल क्या है। तो सिंपली आपने लिखना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सेल ऑनलाइन। जो भी मैंने सेल ऑनलाइन को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये लिखा है व्हाट डिस्क्राइब यू आर योर बिजनेस द बेस्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो चुकी है। यहाँ से आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली यहाँ से मैं इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी मैंने ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ये कह रहा है एनुअल रेवेन्यू ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का एनुअल रेवेन्यू कितना है। यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मजीद ये ऑप्शन शो हो चुकी है, ये लिखा है व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग, यहाँ पे कह रहा है कौन सी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड हो। सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से क्लोथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लोथिंग को मैंने सेलेक्ट किया है। क्लोथिंग को जो ही मैंने सेलेक्ट किया है, हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अकाउंट के क्रिएट होने के बाद कुछ नेक्स्ट स्टेप्स हैं, आपने इन स्टेप को कम्प्लीट करना है। पहला स्टेप है डिजाइन योर प्रोडक्ट, हमने ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट डिजाइन की है। इसके बाद दूसरा स्टेप है कनेक्ट योर स्टोर, आपने स्टोर को कनेक्ट करना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है अपलोड प्रोडक्ट्स टू स्टोर, ठीक है भाई, स्टोर कनेक्ट करने के बाद आपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है। चौथा स्टेप है सेट अप बिलिंग, आपने अपना पेमेंट मेथड सेट करना है। पहले स्टेप पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट का चला है, स्टार्ट पे मैं प्रेस करता हूँ। डियर फ्रेंड, जो ही मैंने स्टार्ट पे प्रेस किया है, हमने वैसे ऑलरेडी अपना डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, तो उसी डिजाइन को हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आकर अपलोड करेंगे। जो ही मैंने स्टार्ट पे प्रेस किया है, ये कुछ है प्रोडक्ट टेम्पलेट्स, इसके आगे यहाँ पे कुछ है क्रिएट प्रोडक्ट, आपने क्रिएट प्रोडक्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो ही मैंने क्रिएट प्रोडक्ट पे प्रेस किया है, हमारे सामने यहाँ पे मॉकअप शो हो चुके हैं। आपने किस प्रोडक्ट का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि कैटेगरी क्रिएट करते टाइम हमने क्लोथिंग सेलेक्ट किया था, क्लोथिंग सेलेक्ट हमारे सामने यहाँ पे मॉकअप शो हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने मैन टी शर्ट का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। सिंपली यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो ही मैंने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ये देखते हैं सारी की सारी ये मैंस की कैटेगरी शो हो चुकी है। यहाँ से आपने किसी भी एक बंदे की टी शर्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि ये देख सकते हैं। जिस बंदे की टी शर्ट पे आपका डिजाइन अच्छा लगे, आपने उसी बंदे की टी शर्ट को सेलेक्ट करना है। जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये बंदा शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस बंदे की टी शर्ट पे मेरा डिजाइन फिट नजर आएगा। सिंपली इस वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी मैंने उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, मजीद हमारे सामने ये फर्दर ये ऑप्शन शो हो चुकी है। यहाँ से मैं इस बंदे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डियर फ्रेंड, जो ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं कुछ इस तरह से हमारे सामने ये डिजाइन ओपन हो चुका है। इसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है, जैसा कि ये देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कलर, कौन से कलर की टी शर्ट पे आपका डिजाइन अच्छा लगेगा। इस कलर की टी शर्ट पे आपका डिजाइन अच्छा लगे, आपने वही कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी इन तमाम कलर पे मेरा डिजाइन अच्छा लगेगा। ये सारे कलर मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे कह रहा है टी शर्ट का डिजाइन अपलोड करो।
यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, जैसा कि ये देखते हैं कुछ इस तरह से मतलब ऑप्शन शो हो चुका है। इसको आपने चेक करना है, इसको आपने सेवन क्लोज कर देना है, इसके बाद आपने अपलोड न्यू फाइल पे प्रेस करना है। मेरे कंप्यूटर की लोकेशन शो हो चुकी है, वैसे मैंने ये डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जो अभी हमने डिजाइन क्रिएट किया है हम उस डिजाइन को यहाँ पे अपलोड करना सीखेंगे जो हमने कैनवा का यूज करके डिजाइन किया है। इस डिजाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंट डिजाइन की जो ही मैंने सिलेक्शन किया है, जैसा कि ये देखते हैं डिजाइन अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं, डिजाइन की प्रोसेसिंग हो रही है, अपलोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा मजीद यहाँ पे वेट करेंगे। डियर फ्रेंड, जो पहले हमने डिजाइन अपलोड किया था उसका साइज ज्यादा था, जिसकी वजह से ये अपलोड होने में टाइम ले रहा है, क्योंकि मेरे पास नेट का इशू है। मेरे पास कम साइज में एक डिजाइन पड़ा था जो कि मैंने खुद कस्टम क्रिएट किया है, ये डिजाइन अपलोड हो चुका है। जिस टाइम ये डिजाइन अपलोड हो जाएगा, सेम इसी मेथड को फॉलो करके आपने सिंपल सा करना है, अप्लाई पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने अप्लाई पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं ये टी शर्ट शो हो चुकी है जिस पर हमारा ये डिजाइन शो हो चुका है। इसके अलावा अगर हम राइट साइड पे हैं तो यहाँ पे ये भी है डिजाइन शो हो चुका है, यहाँ से भी आप इन शर्ट को ऐड कर सकती हैं। अगर आप इस टी शर्ट का डिजाइन बड़ा छोटा करना चाहते हो, सिंपली आप ऐसा करेंगे, इस टी शर्ट पे प्रेस करेंगे, जैसा कि ये देखते हैं इसका साइज आप बड़ा छोटा कम ज्यादा जितना करना चाहें कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से डिजाइन मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद ये लोकेशन है सेव टू टेम्पलेट, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो ये मैंने सेव टू टेम्पलेट पे प्रेस किया है तो हमारा ये डिजाइन क्रिएट हो चुका है, जैसा कि ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से टी शर्ट पे हमारा ये डिजाइन शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अपने अब स्टोर क्रिएट करना है। स्टोर के क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये शो हो रहा है स्टोर, अब स्टोर पे प्रेस करना है। जो ही मैंने स्टोर पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं ये कनेक्ट और क्रिएट योर ऑनलाइन स्टोर टू स्टार्ट एडिंग प्रोडक्ट, सिंपली आप चूज प्लेटफॉर्म पे प्रेस करेंगे। जैसा कि ये देखते हैं मैंने चूज प्लेटफॉर्म पे प्रेस किया तो आप शॉपिफाई का स्टोर भी कनेक्ट कर सकती हैं। शॉपिफाई के स्टोर पर आप इन प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, इट्स के स्टोर पर प्रोडक्ट लगा सकते हैं, वोकॉमर्स, विक्स। इसके अलावा अगर हम नीचे हैं तो जैसा कि ये देखते हैं अमेजोन भी है, और भी यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। टिकटॉक शॉप पे भी इन प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा गम रोड पर भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऑप्शन शो हो रही हैं। इनमें से अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट नहीं बना हुआ, दोबारा आप स्टोर पे प्रेस करेंगे। ठीक है, भी दोबारा मैंने स्टोर पे प्रेस किया है, यहाँ पे लोकेशन है मैनुअली, आप मैनुअली भी स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैं क्रिएट पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टोर का नेम देना है, जो आप स्टोर का नेम देना चाहें। सपोज के मैं स्टोर का नेम लिखना चाहता हूँ काशिप गोल, स्टोर का नेम मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। जो मैंने कंटिन्यू पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं काशिप गोल के नाम से हमने स्टोर क्रिएट कर लिया है, अब ये एक्टिव है। इसके बाद मैं व्यू स्टोर पे प्रेस करता हूँ। जो भी मैंने व्यू स्टोर पे प्रेस किया, हमारा स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है, क्योंकि अभी हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की। अब हम अपने स्टोर में प्रोडक्ट ऐड करने जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट के ऐड करने के लिए आपने ऐड प्रोडक्ट पे प्रेस करना है। जो भी मैंने ऐड प्रोडक्ट पे प्रेस किया है, हमारे सामने यहाँ पे कुछ मॉकअप शो हो चुके हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं। आप इसके लिए भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, इसकी पेंट के लिए भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, भी टी शर्ट का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, मतलब जो आपने डिजाइन क्रिएट किया हुआ टी शर्ट का डिजाइन है तो टी शर्ट वाला बंदा आपने सेट करना है। अगर आपने बैग का डिजाइन क्रिएट किया तो आपने बैग वाला बंदा सेट करना है। तो मैं टी शर्ट का डिजाइन क्रिएट किया हुआ, सिंपली मैं इस बंदे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो ही मैंने उस बंदे को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे कह रहा है अपलोड अ ड्रॉप डिजाइन हियर, सिंपली यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे प्रेस किया, ये हमारा डिजाइन जो आपने अपलोड किया, सिंपली मैं अप्लाई पे प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने अप्लाई पे प्रेस किया, हमारा डिजाइन इस बंदे की शर्ट पे शो हो जाएगा। इसके बाद अगर नीचे है तो यहाँ पे शर्ट की प्राइस है $15। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। जो भी मैंने कंटिन्यू पे प्रेस किया है, अब हम अपने स्टोर में शर्ट को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, भी इसके बाद यहाँ पे मॉकअप, ठीक है भी, तो सिंपली आपने ऐसा करना है, चूज मॉकअप पे प्रेस करना है। जो भी मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, हमारे सब ये डिजाइन शो हो चुके हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो भी मैंने कंटिन्यू पे प्रेस किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल शो हो रहा है। ठीक है भी, इसके बाद आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। जो ही मैंने कंटिन्यू पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं कुछ इस तरह से हमारे सामने इस शर्ट की प्राइस शो हो चुकी है। स्मॉल शर्ट अवेलेबल है, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल। इसके अलावा अगर हम कमीशन की बात करें तो ये $15 की शर्ट है, $15 का हमें $2 का कमीशन मिलेगा। मतलब जिस बंदे को हमारा ये शर्ट का डिजाइन अच्छा लग जाता है, जिस टाइम इस शर्ट पे ऑर्डर देगा, हमें $2 का इसका कमीशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कमीशन शो हो रहा है। इसके बाद आपने सेव प्रोडक्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, जो भी मैंने सेव प्रोडक्ट पे प्रेस किया है, जैसे कि ये देखते हैं ये हमारे स्टोर का नेम शो हो रहा है, इसमें हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने ऐड प्रोडक्ट पे प्रेस करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा डिजाइन क्रिएट करने हैं, उन डिजाइन को आपने अपलोड करना है और आपने अपने स्टोर पर ये डिजाइन लिस्ट करने हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखते हैं कॉन्ग्रेट ऑन योर एडिंग फर्स्ट प्रोडक्ट, हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारी प्रिंटफुल के स्टोर पर लाइव हो चुकी है। जिस किसी को हमारा ये डिजाइन अच्छा लगेगा, इस पर ऑर्डर देगा, हमें उसका कमीशन मिलेगा। माई प्रिंटफुल पे प्रेस करता हूँ, जैसा कि ये देखते हैं सारे स्टेप्स हमने कंप्लीट कर दिए, जो मैं आपको शुरू में स्टेप दिखाया था।
पहला जो स्टेप था क्रिएट योर डिजाइन, डिजाइन हमने क्रिएट करके प्रोडक्ट पे ऐड किया था। इसके बाद दूसरा जो स्टेप था वो था कनेक्ट योर स्टोर, हमने स्टोर कनेक्ट किया है, अपलोड प्रोडक्ट, हमने अपने स्टोर पर प्रोडक्ट भी अपलोड कर दिए। ये तीन स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है सेटअप बिलिंग। सिंपली आपने स्टार्ट पे प्रेस करना है। अब हम पेमेंट मेथड सेट करने जा रहे हैं। सेटअप बिलिंग पे मैंने प्रेस किया है। आपने यहाँ पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो सिंपली मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ। जैसा कि ये देखते हैं दो तरह के पेमेंट मेथड है। पेपल के थ्रू भी आप पेमेंट विदड्रा करवा सकते हैं, पेमेंट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट विदड्रा करवा सकते हैं। मतलब एटीएम कार्ड का नंबर देंगे, आपके एटीएम कार्ड पे पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, सिंपली आपने ऐड कार्ड पे प्रेस करना है। यहाँ पे ये कह रहा है कार्ड की डिटेल एंटर करो, तो सिंपली जैसा कि थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर आपने अपने एटीएम कार्ड की डिटेल देनी है। इसके बाद आपने ऐड पे प्रेस करना है, आपका पेमेंट मेथड सेट हो जाएगा। मतलब जितनी भी आपको अर्निंग होगी, आपकी अर्निंग यहाँ पे होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। इस एरो पे प्रेस करना है, प्रिंटफुल वैलेट पे प्रेस करना है। जो ही मैंने प्रिंटफुल वैलेट पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं हमारा जो कमीशन होगा वो हमारा कमीशन यहाँ पे शो होगा। ठीक है भी, तो मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले अकाउंट क्रिएट किया था, 3 प्रोडक्ट लिस्ट की है, 1 प्रोडक्ट सेल हो चुकी है जिसका मुझे 4.50 कमीशन मिला था, जो कि मैं आपके साथ अपना अकाउंट शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों इस तरह से प्रिंटफुल पर वर्क किया जाता है, A to Z, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको सारा तरीका सिखा दिया है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, सिंपली आपने कहना स्टोर पे प्रेस करना है, आपने अपने स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे स्टोर कर स्टोर पे मैंने प्रेस किया है। जो भी मैंने स्टोर पे प्रेस किया है, ठीक है भी, आपने अपने स्टोर को ओपन कर लेना है या ऐड प्रोडक्ट पे प्रेस करना है। सिंपली मैंने व्यू स्टोर पे प्रेस किया है। मैं चाहता हूँ पहले मैं अपने स्टोर को वॉच करूँ, देखूँ। स्टोर को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है भी, ये हमारा डिज़ाइन था जो हमने अपलोड किया है। इसके बाद आपने ऐड प्रोडक्ट पे प्रेस करना है। जो भी मैंने ऐड प्रोडक्ट पे प्रेस किया है, जैसा कि ये देखते हैं यहाँ पे ये कह रहा है भी अपना कोई और डिजाइन अपलोड करो। तो दोस्तों इस तरह से प्रिंटफुल पर वर्क किया जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।